स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम नगर संग्राम में। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मियां अब बढ़ने लगी हैं। सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं रामकृष्ण यादव, जो रफी अहमद किदवई वार्ड से भाजपा पार्षद हैं। रामकृष्ण यादव का प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। रामकृष्ण जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और ये भी बताइए कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई। नमस्कार मैम, मैं प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आज जो आपने हमसे पूछा कि राजनीति की शुरुआत कैसे हुई, राजनीति तो मेरा मानना है समाज सेवा का सशक्त माध्यम है, कि गरीबों की, वंचितों की, पिछड़ों की आवाज़ और उनके हक को दिलाने के लिए राजनीति सशक्त तरीका है। राजनीति करके हम जनता की और अपने देश की सेवा अच्छे से कर सकते हैं। और राजनीतिक शुरुआत हमारी छात्र जीवन से हुई। छात्र जीवन में ही विद्यार्थी परिषद लखनऊ विश्वविद्यालय इकाई में काम करते हुए, उसके बाद युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का जो अपना यूथ विंग है भारतीय जनता युवा मोर्चा, उसमें लखनऊ महानगर का उपाध्यक्ष रहा। उपाध्यक्ष रहते ही इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का परचम हुआ करता था कभी किसी ज़माने में, और पार्षद ये चुनाव संगठन ने कहा और मौका दिया, तभी से लेकर आज तक मैं निरंतर सक्रिय राजनीति में। इंसान का राजनीति में एक मार्गदर्शक होता है, आपका कौन है? हम लोग लखनऊ के हैं, सौभाग्यशाली हैं, यहाँ पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हम लोग छोटे थे तब सांसद हुआ करते थे और उनकी कार्यशैली से हम सब लोग बहुत प्रभावित थे, पूरा लखनऊ ही प्रभावित था। उनमें से मैं भी नौजवान था और वैसे तो स्टूडेंट लाइफ से ही हम लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के रूप में और स्वामी विवेकानंद जी को एक आराध्य के रूप में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से उन लोगों ने देश के पिछड़ेपन से आगे लाने के प्रयास किए। आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, हर क्षेत्र में उन लोगों ने काम किया। और हम लोग विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, इस नाते वो लोग हम लोगों के प्रेरणा स्रोत बने। और यहाँ पर लखनऊ में जब श्रद्धेय अटल जी सांसद हुआ करते थे तो माननीय लालजी टंडन जी और तमाम उस समय के समकालीन नेता हमारे दिनेश शर्मा जी पहले महापौर हुए, उनकी शालीनता, विनम्रता और समाज सेवा से जो हम लोग प्रेरित हुए वो आज तक निरंतर चला रहे हैं। रामकृष्ण जी, आपके राजनीतिक के सफर में कौन कौन सी चुनौतियाँ आई? हम जीवन है तो चुनौतियां हैं और राजनीति में तो निरंतर चुनौतियां रहती हैं। कभी हम लोग विपक्ष की राजनीति करते थे, जब मैं पहले बार चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी सरकार थी, दूसरी बार जब चुनाव हुआ उसके बाद तुरंत बहुजन समाज पार्टी सरकार आ गई, पूरा कार्यकाल हम लोगों का विपक्ष में रहा। फिर दूसरे चुनाव भी बहुजन समाजवादी पार्टी सरकार थी, तो विपक्ष में चुनौतियाँ थी उनका निकायों से, जनता से और नगर निगम से, शहरी मतदाताओं से। इन लोगों का कभी विपक्ष का कोई मतलब नहीं रहता था, सपा बसपा के लोगों का, और उन लोगों ने कभी शहर के लिए और आम लोगों के लिए काम भी नहीं किया। हम लोग पार्षद रहते हैं, डॉक्टर दिनेश शर्मा सर के महापौर काल में बड़ा काम किए, वर्तमान में अभी 2017 से माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और 2014 से केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकारें हैं उनके द्वारा, और यहाँ पे हमारी संगीता भाटिया जी लखनऊ में महापौर हैं, ये ट्रिपल इंजन की सरकार के द्वारा लखनऊ में हम लोगों ने बहुत सारे काम किया। और उसी क्रम में अपने वार्ड रफी अहमद किदवई में भी बिजली की समस्याओं को, सड़कों के जालों को बिछाने का, सड़कों का पुनर्निर्माण, पार्कों की समस्या हो, चाहे पार्कों का पुनर्निर्माण हो, पार्कों की साफ सफाई हो, पेड़ों की ड्रेनिंग हो, पौधरोपण हो, उनका उद्यानीकरण और उनमें समर सेबल पंप से सिंचाई, उनके अंदर पाथवे, लोगों को टहलने की व्यवस्था हो और आपका उसमें बैठने के लिए बेंचेज काम हो, फिर गलियों के तमाम सारे हमारे यहाँ गांव भी हैं और उन गांव में गलियों का निर्माण कराना, गांव में समुचित विकास, वाटर लाइन कैसे पड़ जाए, सीवर कैसे हो जाए, बिजली के पोल कैसे लग जाए, रोड लाइट कैसे लग जाए, सारे काम किए गए। उसके बाद वार्ड के अंदर अपनी सरकार में निरंतर मैंने विपक्ष में प्रयास किया लेकिन कभी नहीं हो पाया, और अपनी सरकार जब बनी तो अपने यहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराए, अपने यहाँ एक पार्क का निर्माण करवाए, गांव के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए प्रस्तावित है, जगह नहीं मिल पा रही है, जैसे जगह मिल जाएगी उस दिन हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी हो जाएगा। और प्राथमिक विद्यालय हमारे वार्ड में एक है, उसमें बेंचेज का, उसमें बिजली कनेक्शन का, बच्चों के स्कूल ड्रेस का, सब शुरू से काम कर रहे हैं मैम, और निरंतर अपने क्षेत्र के विकास के लिए संघर्षरत भी हैं, प्रयासरत भी हैं, उसके लिए
अब शासन से, प्रशासन से, संबंधित अधिकारियों से, अपने विभाग के मंत्रियों से वाद संवाद करके अपने श्रद्धेय सांसद लखनऊ के और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में पूरे लखनऊ में विकास की जो गंगा चक्रम है, चाहे ओवरब्रिज हो, चाहे पुल हो, सड़कें हों, आउटर रिंग रोड हो, उसी परिपेक्ष में हमारे वार्ड में भी तमाम सारे काम, इस बड़ा घर अटल सामुदायिक केंद्र जिसमें गांव के लोगों के लिए बारात घर भी बनाने का हमने प्रयास किया और बारात घर बन भी गया, इन सब में कहीं ना कहीं हमारे सांसद जी का निरंतर हमें आशीर्वाद मिलता रहता है। रामकृष्ण जी, जैसा अभी आपने कहा कि आपने अपने क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अभी ऐसे कौन से काम रह गए हैं जिनको अभी होना बाकी है या आप आगे कराना चाहेंगे? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है और एक और सड़क बनती जाती है, पार्के बनती जाती हैं, रोड लाइट हो जाती है, बिजली में खंभे लग जाते हैं, फिर उसमें तार लग जाते हैं, फिर दूसरी ओर कहीं ना कहीं आजकल देखिए रोड पे इंक्रोचमेंट एक बड़ी समस्या है। पॉपुलेशन बढ़ रही है लखनऊ की राजधानी के नाते, और उसी के साथ साथ लखनऊ में जो पोल्यूशन है, गाड़ियाँ हैं इतनी ज़्यादा, कहीं ना कहीं पोल्यूशन है। अभी हम लोग लखनऊ नगर निगम में देखिए, आपके सामने पूरे देश में वायु प्रदूषण में नंबर एक पे आया हमारा देश स्वच्छता के मामले में, कि लखनऊ की आबो हवा बहुत अच्छी है, इसका मतलब हम लोग काम कर रहे हैं। और जो अब नई चुनौतियां हैं, कूड़ों का एकत्रीकरण, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का, लोगों को और आधुनिक तकनीक से कैसे उनका कूड़ा कलेक्शन हो जाए। अभी देखिए आप, लोग बिजली से के अधिक उपयोगिता में उपयोग करते हुए समर सेविलों के माध्यम से गाड़ियां धुलने काम करते हैं। मेरा प्रयास होगा कि जैसे दिल्ली में गाजियाबाद में एक बाल्टी लेकर के लोग आते हैं और तीन तीन चार चार गाड़ियां वास कर जाते हैं, अब लखनऊ को और आधुनिक बनाना है, नागरिकों को और आधुनिक सुविधाओं से लैस करना है, यही मेरा प्रयास है। आप भारतीय जनता पार्टी से नाता रखते हैं, अभी तक आपका अनुभव कैसा रहा? मैं भारतीय जनता पार्टी देशभक्त पार्टी है, राष्ट्रवाद की पार्टी है, देश के बारे में सोचती है। आज देखिए जिस ऊंचाई पे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश को ले गए, परमाणु पोखरण परीक्षण करके, चाहे नदियों को जोड़ने का काम हो, सड़कों को जाल बिछाने का काम हो, और 2004 से 14 तक जब कांग्रेस की सरकार रही, देश का क्या हाल हुआ? भ्रष्टाचार था, 2G 3G जीजा जी सारे घोटाले होते थे, कॉमनवेल्थ गेम के घोटाले हुए देश के अंदर। आज 2014 से श्रद्धेय हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार है, आप देख लीजिए 7 साल 8 साल पूरे हो गए हैं, एक भी आरोप किसी भी मंत्री पे नहीं, किसी भी अधिकारी पे नहीं, और किसी पर भी नहीं। देश कहाँ नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। G20 की अध्यक्षता मिलना देश के लिए कितनी बड़ी बात है, WHO का कार्यकारी अध्यक्ष बनना भारत के नागरिक का कितनी बड़ी बात है। तो भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों, सभी देश के नागरिकों के बारे में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास में काम करती है, इसीलिए हम सब भी भारतीय जनता पार्टी में। और आज से जनसंघ के ज़माने से हमारे श्रद्धेय बाबा जी अटल जी के साथ लखनऊ में काम करते हुए खेले कूदे, रज्जू भैया जी हमारे यहाँ आए, हम सब लोग पारिवारिक पृष्ठभूमि ही राष्ट्रवाद की है। रामकृष्ण जी, आपके विरोधी भी आपकी प्रशंसा करते हैं, इसका क्या कारण है? मैम देखिए, अब मैं अपने विरोधियों को भी संदेश देना चाहता हूँ कि साथ में आए वार्ड को अच्छा बनाने में, नगर को अच्छा बनाने में, लखनऊ को अच्छा बनाने में, प्रदेश को अच्छा बनाने में मिलकर सहयोग से काम करें और अच्छे से हम सब लोग देश और प्रदेश की जनसेवा करें, और यही कारण होगा कि उनके अंदर कहीं ना कहीं हमारे प्रति अच्छी भावना हो। रफी अहमद किदवाई वार्ड से पार्षद पद पर काबिज हैं आप, अभी वार्ड में कौन सी समस्याएं हैं? मैम देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि वार्ड है, लोग हैं, नित नई समस्याएं नई नई आएंगी, जो आएंगी सामने आएंगी, आम जनता अभी मुख्य समस्या क्या देखते हैं? हमारे सामान्य मतदाता लाएंगे, उनका निराकरण किया जाएगा। मैं अभी अपने वार्ड में मुख्य समस्या क्या देखते हैं जो रह गई है समस्या? मैं अभी एक दो चीजें हैं, समाजवादी पार्टी सरकार ने एक डंपिंग यार्ड हमारे वार्ड में बना दिया गया था, जबरदस्ती विरोध करने के बावजूद भी, उससे तमाम सारी दुर्गंध है, विकास खंड ग्वारी में व्यवस्थित है, उसको दूर कराने का, उसको शिफ्ट कराने का, स्थानांतरित कराने का प्रयास रहेगा मेरा। बिजली के जो पोल ऊपर हैं, कोशिश रहेगी कि अब इस कार्यकाल में कि बिजली के पोलों को भूमिगत करा दिया जाए। लखनऊ स्मार्ट सिटी में है और हमारा वार्ड भी स्मार्ट। जनता के बीच आपका मुख्य एजेंडा क्या है? मैम जनता के बीच में उपलब्धता और सबसे बड़ी चीज तो जिम्मेदारी, वफादारी, ईमानदारी और समझदारी।
ये चार चीज़ों को लेकर के मैं राजनीति में उतरा हूँ और इन चारों पे मुझे काम करना है कि जनता के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए और कार्यकर्ता की ईमानदारी होनी चाहिए। अगर ये चारों चीज़ें हमारे जीवन में हैं, हमारे कार्य क्षेत्र में, व्यवहार क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, तो वास्तव में हम कहीं ना कहीं अच्छा करने में सफल होंगे। और इस जब हम अच्छा करेंगे तो अच्छी मंशा से करेंगे तो ईश्वर भी कहीं ना कहीं हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करेगा और उससे हम जन समस्याओं को दूर करने में अच्छा करेंगे। रामकृष्ण जी, आपने स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर अपने वार्ड में क्या कुछ काम किया है? मैंने आपको बताया कि मेरे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मैं काफ़ी दिनों प्रयासरत था और हमारे ग्वारी गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन गया है। हेल्थ वेलनेस सेंटर भी एक हमारे वार्ड में आ गया है, उसकी जगह तय हो रही है और हेल्थ एटीएम भी रखने वो प्रस्तावित है, जगह मिलते उसको भी रखवाया जाएगा। और चिकित्सा के क्षेत्र में ये आपको मैंने बताया कि बड़े काम ये हो गए हैं। कल्पना परे था, 2 बेड का हॉस्पिटल हमारे गांव में आया हुआ है और हमारे क्षेत्र में है, हेल्थ वेलनेस सेंटर भी आएगा और लगभग परफोल्ड हो गया है, पास भी हो गया है ऊपर से। और चूँकि हमारे उप मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय पाठक जी हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो उनका भी आशीर्वाद हमारे वार्ड को प्राप्त होता रहता है। और चिकित्सा, आपने शिक्षा की जो बात की, हमारे यहाँ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उस प्राथमिक नहीं एक प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय में हम लोगों ने CSR फंड के माध्यम से बेंचेज, बिजली का कनेक्शन, बच्चों को ड्रेस, टाई बेल्ट, बैग्स और टीचर्स की अनुपलब्धता के लिए निरंतर BSSF से बात होकर काम होता रहता है। उस प्राथमिक विद्यालय की सुविधाएं आज के डेट में आधुनिक हैं, वहाँ शौचालय आधुनिक है, कंप्यूटर रख गए हैं, बिजली का उनमें सप्लाई हो जाए, ट्रेनिंग सेंटर खुल जाएगा, गरीब बच्चे भी हमारे हैं प्राथमिक विद्यालय से, वो भी कंप्यूटर से शिक्षा प्राप्त करेंगे। रामकृष्ण जी, आपको जनता का नेता कहा जाता है, इसकी क्या वजह है, क्या कारण है? अब मैं तो अपना काम करता रहता हूँ, जनता है उसका आशीर्वाद मिलता है, कहीं नेता भी कहती है, सम्मान करती है, ये उसका बड़प्पन है और मैं उनके आशीर्वाद को, इस नाम को स्वीकार करता हूँ। नेता जी के रूप में जो उन्होंने मुझको स्वीकार किया, उनके आशीर्वाद को मैं आत्मसात करता हूँ। आज के राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए कैसे विकास की देखना चाहते हैं अपने क्षेत्र में? अब मैम, विकास के क्षेत्र में तो गड्ढा मुक्त सड़कें हों, शुद्ध पेयजल हो, 24 घंटे बिजली हो, लोगों को टहलने योग्य पार्कें हों, यही है कि, और चिकित्सा के लिए दूर न जाना पड़े। क्योंकि हम लोग की गोमती नगर में वार्ड आता है, ग्रामीण और शहरी मिश्रित रूप से है, 3-3, 4-4 गांव क्षेत्र में आते हैं, गोमती नगर का कुछ पौश इलाका भी है, कुछ EWS कॉलोनियाँ भी हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनको हम लोग निरंतर दूर करने प्रयास करते रहते हैं। और जो भी टेलीफोन के माध्यम से, प्रार्थना पत्र के माध्यम से, राह चलते कहीं रास्ते में मिल गया, कोई शिकायत आती है तो उसको तुरंत अधिकारियों से, संबंधित विभाग से बातचीत करके उसको हल कराने की कोशिश करते हैं और लगभग सफल भी हो जाते हैं। यही कारण है कि हमारा वार्ड एक आदर्श वार्ड के रूप में है, एक अच्छा वार्ड है, साफ सुथरा वार्ड है। रामकृष्ण जी, रफी अहमद किदवाई वार्ड इस बार महिला सीट है, तो क्या लगता है कौन दावेदारी ठोक सकता है? देखिए मैम, इसके पहले भी एक बार मेरा वार्ड महिला हुआ था, मैं 2006 में जब पार्षद बना और 2012 में आरक्षण में हमारी सीट महिला हो गई थी। और मैं चूंकि अभी तक अविवाहित हूँ तो इस नाते अपनी माता जी से निवेदन किया मैंने कि, और तो उन्होंने मेरे निवेदन को सहर्ष स्वीकार किया और अपनी पार्टी में मैंने निवेदन किया कि मेरे पास माता जी हैं, मुझे उन्हें चुनाव लड़ाने की मेरी इच्छा है, मैंने क्षेत्र में काम किया है, मैं चाहता हूँ कि माता जी को मेरे लिए मेरे उसमें टिकट दिया जाए। पार्टी ने मेरे निवेदन स्वीकार किया और माता जी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, उनके सामने 18 प्रत्याशी थे, 18 में 17 की जमानत जब्त थी। ये 5 साल में कार्यकाल का एक जनता का आशीर्वाद था और मुझे बहुत भारी भरकम मतों से मेरी माता जी को विजय मिली थी, श्रीमती मालती यादव जी को। और 12 से 17 उन्होंने पूरे वार्ड में एक अच्छा काम किया, महिलाओं के बीच उन्होंने काम किया और जो चीज़ें हमसे छूट रही थी वो फिर माता जी ने फोकस करके उन सभी समस्याओं को दूर कराया। 17 से 22 फिर जनता ने मुझको मेरी पार्टी ने मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने सेवा की, अब फिर सीट महिला है तो मैं फिर निवेदन करूँगा अपनी पार्टी में कि भाई माता जी को मेरे चुनाव लड़ाया जाए, पूर्व पार्षद रही, अच्छी पार्षद रही, सदन में भी विवेकाशी जनता की आवाज़ को विवाकी से रखती रहती थी
और जिला योजना समिति की सदस्य थी, वहाँ पर भी जनता की समस्याओं को, क्षेत्र की समस्याओं को समय समय पर उठाना और उसका निराकरण कराना, दोनों चीज़ों उनमें खूबी थी। मेरी माँ है, मैं उनका बेटा हूँ, तो उनका जो आज मैं हूँ उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ, माता पिताजी के, तो उनका बहुत सारा अंश मेरे अंदर है, तो वो कितनी तेज होंगी आप समझ सकते हैं। रामकृष्ण जी, अगर आपकी माता जी एक बार फिर से दावेदारी करती हैं पार्षद पद के लिए, तो क्या लगता है जनता का पूरा सपोर्ट मिलेगा उन्हें? मैम, पूरा समर्थन मिलेगा उन्हें और मुझसे भी ज़्यादा उनको समर्थन मिलेगा, क्योंकि जब मैं घर पे कभी कभी अनुपलब्ध रहता हूँ और जनता आती है, तो माता जी उनसे बातचीत करके उनकी समस्या सुनना, उनका निराकरण कराना और उसमें सहभागिता करना, नोट करवा के रखना, फिर शाम को बेटा ये आए थे इनका काम देख लेना, उनका छूट गया है, उनका होना है, ये सब मुझे बराबर याद दिलाती रहती है मेरी जिम्मेदारियों के प्रति, क्योंकि हर समय घर पे उपलब्ध है। अपने ऑफिस मैंने कोई बनाया नहीं, मेरे घर के बाहर जहाँ मैं बैठा हूँ, मैं बैठता हूँ, सुबह बैठ जाता हूँ जनता के लिए, फिर उनकी समस्याओं को लेकर के LDA जाना, नगर निगम जाना और विभागों में जाना, PWD में जाना होता है, तो हर समय नहीं उपलब्ध रह पाता हूँ। उस बीच अगर कोई आ जाता है दोपहर में या शाम के समय में या रात में, माता जी उनकी समस्या सुन के उनका निराकरण करती हैं, हमको बताती हैं। रामकृष्ण जी, मीडिया एक सशक्त माध्यम है, अपनी बात कहने का Prime TV के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं Prime TV के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो राजनीतिक स्थितियाँ हैं, उन स्थितियों में देश को और देश के साथ साथ प्रदेश को, प्रदेश के साथ साथ अपने लखनऊ महानगर को और लखनऊ महानगर के अंतर्गत अपने रफी अहमद के दो वार्ड को कैसे नंबर एक पे मैं बनाऊं, कैसे सर्वाधिक अच्छा बनाऊं, सर्वश्रेष्ठ बनाऊं। हमारे मोदी जी लगे हैं, पूरा देश हमारा विश्व में नंबर एक बने, विश्व गुरु बने। हमारे योगी जी लगे हुए हैं कि हम पूरे देश में अपने प्रदेश को कैसे नंबर एक पे ले आएं। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, रोजगार देने के प्रयासरत हैं। उसी प्रकार मेरा भी है कि मैं अपने वार्ड को पूरे लखनऊ महानगर में सर्वश्रेष्ठ बनाऊँ और महानगर, लखनऊ महानगर के साथ साथ मैं पूरे प्रदेश में अपने वार्ड को, प्रदेश के साथ साथ अपने देश में पूरे वार्ड को सर्वश्रेष्ठ बनाऊं, नंबर एक बनाऊं, चाहे स्वच्छता का मामला हो, चाहे वायु प्रदूषण का मामला हो, चाहे सड़कों का हो, बिजली का हो, पानी का हो, शुद्ध पेयजल का हो, टंकी का हो, ट्यूबवेल निर्माण का हो, कहीं पर भी मेरा वार्ड पीछे न रह जाए। इंटरलॉकिंग टाइल पार्कों में पाथवे का हो, बेंचेज का हो, बैठने का हो, बुजुर्गों के साथ टहलने के साथ साथ उनके लिए वहाँ बैठने की व्यवस्थाएँ हों, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, ये सारी पेंशन कैसे मैं दिलवा सकूं जरूरतमंदों को। अभी ठंड आ रही, अलाव का समावेश कैसे हो जगहों पर, अलाव हो ताकि गरीब को ठंड न लगे, उनको शेल्टर होम में पहुंचाने का काम, कंबल बटवाने का काम, ये सारे काम ध्यान में है, सब लोग करते हैं और करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नगर संग्राम में आज मुलाकात हुई रामकृष्ण यादव से, जो वर्तमान में रफी अहमद किदवाई वार्ड से भाजपा पार्षद हैं। नगर संग्राम में आज के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक ले देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार। चाणक्य की कूटनीति हूं मैं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूं मैं, राजनीति